सो हेलो एवरीवन, नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं अमित के सॉल्यूशन चैनल। दोस्तों आज है हमारे पास ऑटोफाई की तरफ से आने वाला कार वैक्यूम क्लीनर। दोस्तों ये काफ़ी पावरफुल है और सबसे अच्छी बात इसकी है ये सबसे अफोर्डेबल प्राइस में आता है। तो चलिए जल्दी से मैं इसको अनबॉक्स करके आपको दिखाता हूँ इसके साथ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और कैसा ये वर्क करता है। सो गाइज, ये रहा इसका बॉक्स। यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। पावरफुल मोटर है, 120 वॉट का वेट एंड ड्राई यूज़ कर सकते हैं। इसमें हेपा फिल्टर लगा हुआ है जिसे आप वॉश भी कर सकते हैं। लो नॉइज़ है और 4.5 मीटर का पावर कॉर्ड दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं इसको यूज़ करने का तरीका बताया गया है। कार को स्टार्ट करना है, उसके बाद सिगरेट लाइटर में इसे प्लग कर देना है और उसके बाद वैक्यूम को ऑन करके और इसको मैक्सिमम आप 15 मिनट तक चला सकते हैं कॉन्टिन्यूस। उसके बाद थोड़ा सा इसे रेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बॉक्स को ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोफाई का ब्रांड है डस्टो वैक्यूम क्लीनर। तो चलिए बॉक्स को अब बिना देरी के जल्दी से ओपन करते हैं और देखते हैं इसकी क्वालिटी और इसकी परफॉर्मेंस। ये मैंने बॉक्स को ओपन कर दिया तो वन बाय वन मैं इसमें से निकालता हूँ एसेसरीज। तो ये है गाइज इसका सर्विस नोजल, देख सकते हैं। काफ़ी नैरो जगह पे कार में ऐसी जगह रहती है जहाँ पे ये ब्रश नहीं जा पाता है, उसके लिए ये है। इसको करता हूँ साइड में। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों बॉक्स में आपको एक हॉर्स पाइप मिल जाती है वैक्यूम के साथ अटैच करने के लिए। ठीक है, इसको भी साइड करता हूँ मैं। और यहाँ पर एक ब्रश वाला भी नोज़ल दिया गया है, चलिए इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ब्रश वाला नोज़ल है, ठीक है, देख सकते हैं। और उसके बाद बॉक्स के अंदर यहाँ पर एक आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाता है, इसको अभी हम बाद में पढ़ेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स के अंदर आपको मिलता है वैक्यूम क्लीनर। तो चलिए रैप को इसको साइड करते हैं पहले। काफ़ी अच्छे से पैकिंग होकर आया है और सबसे अच्छी बात मेरे को ये लग रही है इसमें 4.5 मीटर का इसमें देख सकते हैं आप पावर कॉर्ड दिया गया है। काफ़ी लंबा है ये दोस्तों, जिससे आप कार के जो आपका डिग्गी है वहाँ तक इसका वायर पहुँच सकता है और वैक्यूम आसानी से आप कर सकते हैं। ये देखिए इसका वायर कितना बड़ा है, ये देखिए। ये आमतौर पर आपको इस प्राइस रेंज में इतना बड़ा पावर कॉर्ड नहीं मिलता है, ठीक है, काफ़ी दिक्कत होती है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है और मैं इसको एक बार पास से आपको दिखाता हूँ। सो गाइज, ये रहा हमारा वैक्यूम क्लीनर ऑटोफाई की तरफ से आने वाला डस्टो, देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको पावर बटन मिल जाता है साइड में दोस्तों। यहाँ पर इसका फ़ैन है, ठीक है, जहाँ से एयर रिलीज होता है। तो इसका हेपा फिल्टर इसके अंदर होता है, मैं आपको एक बार निकाल कर दिखाता हूँ। यहाँ पर ये रहा इसका हेपा फिल्टर, देख सकते हैं आप। ये वॉशेबल हेपा फिल्टर है, ठीक है, तो इसको दोबारा से इसमें फिट कर देते हैं और इसको लगाना काफ़ी इजी है, ठीक, ऐसे ये काफ़ी लाइट वेट है। तो चलिए अब इसको यूज़ करके देखते हैं इसकी परफॉर्मेंस। फ़िलहाल मैं आपको कार का कंडीशन दिखा देता हूँ अंदर का। तो यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डस्ट है। आमतौर पर ड्राइविंग सीट वाला जो एरिया है वहाँ पर काफ़ी गंदगी रहती है, ठीक है। तो इसको सक्शन करके देखेंगे, इसका टेस्ट करेंगे। बाकी यहाँ पर भी हल्की फुल्की गंदगी दिख रही है और दिस साइड देखिए, तो सभी को क्लीन करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कंडीशन कार की, ठीक है। तो क्लीन करने के बाद इसका रिज़ल्ट आप देखिएगा कैसा इसका रिज़ल्ट है। फिलहाल पीछे के साइड भी आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा गंदा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। काफ़ी दिन से ये कार क्लीन नहीं हुई है तो आज हम इस वैक्यूम की मदद से इसको क्लीन करेंगे। वैक्यूम क्लीनर को इस्तेमाल करने से पहले कार को हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा स्टार्ट हो गया कार। अब ये जो सिगरेट लाइटर है इसको यहाँ पर प्लग करेंगे, ठीक है, ये ऐसे प्लग हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे ऑन करेंगे, ये आपका ऑन हो गया। तो लगाते हैं इसमें नोज़ल, ये वाला ब्रश वाला, और उसके बाद देखते हैं कैसा ये वर्क करता है। सबसे पहले ये सर्विस नोज़ल लगा के देखते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वैक्यूमिंग करना। ये देखिए कितना बढ़िया काम कर रहा है,
तो दोस्तों इसको आगे का मैंने जो क्लीन किया ड्राइविंग सीट के पास का, वो देख सकते हैं क्लीन हो चुका है। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि कितना डस्ट कलेक्ट हुआ है वैक्यूम क्लीनर में, आप पास से देख लीजिए। दिखने में लगता है कि काफ़ी कम डस्ट है, बट अभी मैं आपको वैक्यूम दिखाता हूँ इसके अंदर कितना ज़्यादा डस्ट कलेक्ट हुआ है। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं करता हूँ साइड में यहाँ पर, ठीक है। ये रहा इसका हेपा फिल्टर, इसको निकालते हैं। ये देखिए, ये मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए, देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा डस्ट था उसके अंदर, कार के अंदर। ये अभी इसमें इतना डस्ट था, अभी हेपा फिल्टर में दिखाता हूँ आपको क्लीन करके कितना ज़्यादा डस्ट है। ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसे डस्ट हैं, इससे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको डस्ट से हो सकती है एलर्जी। तो ये देखिए, ये हमारा कितना ज़्यादा डस्ट निकला इसमें से। इसको वापस से इसमें फिट करते हैं और फिर से यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों, पीछे वाली सीट पे भी काफ़ी ज़्यादा डस्ट है, तो चलिए देखते हैं। बहुत ही देख सकते हैं आप कितना शानदार ये क्लीनिंग हो रहा है। जो भी छोटे पार्टिकल्स हैं डस्ट वाले, वो ईजली शक हो जा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये एरिया काफ़ी ज़्यादा गंदा था, बट ये क्लीन हो गया, ठीक है। अब मैं इधर करता हूँ क्लीनिंग यहाँ की, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइज़, आप लोगों ने देखा इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी, और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इसके साथ 1 ईयर की वारंटी आती है, और इसका जो यूज़ करने के बाद आपको हेपा फिल्टर दिखेगा ऐसा कुछ, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, वॉश कर लेना है पानी से, ठीक है। उसके बाद इसको दोबारा से इसमें फिट करके रख देना है, ठीक है, जिससे कि आपका सेकेंड टाइम जब यूज़ करेंगे आप तो क्लीन रहेगा आपका हेपा फिल्टर और आसानी से यूज़ हो सकेगा, ठीक है। इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पर फिक्स, ये टाइट हो गया। ये काफ़ी लो नॉइज़ का वैक्यूम क्लीनर है, और लगभग मेरे को इसकी प्राइस पड़ी थी 1000 के करीब में। तो इसमें प्राइस हाई लो होता रहता है, तो एक बार आप जाकर वेबसाइट पर चेक कर लेना, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।